बिसम रहीम असल वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फ़ूड सीक्रेट्स और आज हम बना रहे हैं बालूशाही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस तरह तैयार होगी तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कप मैदा लिया है और इसको हम बाउल में डाल देंगे इसको अच्छे से पहले से मैंने छान लिया है अगर हम एक कप मैदा लेंगे तो हाफ क्वान्टिटी में हमने इसमें घी एड करना है तो ये मैंने हाफ कप इसमें घी ऐड कर दिया और तीन से चार चम्मच हम इसमें दही ऐड करेंगे आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं लेकिन दही से यह है कि यह फ्लफ़ी और अच्छे बनेंगे तो अब हमने इसमें वन टी स्पून जो है बेकिंग पाउडर डाला है अगर आप इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे तो वो हाफ़ टी स्पून ऐड कीजिएगा अब हम इस तमाम मटेरियल को अच्छी तरह से आपस में बाइंड करेंगे इसको हमने आटे की तरह गूंदना नहीं है हमारा मकसद है इसको एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना और बाइंड करना तो हम इसको सॉफ्टली अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसकी एक डो तैयार कर लेंगे तो यहाँ पे इसको आपने गूंदना नहीं है बस सॉफ्टली आपने इसको एक दूसरे के साथ बाइंड करना है अच्छी तरह से मिक्स करके तो इससे जो है हमारी बालूशाही बहुत अच्छी बनेगी तो ये देखें इस तरह से आपने ये डो तैयार करनी है और इस डो को तैयार करने के बाद आपने पाँच से दस मिनट तक इसको रेस्ट देना है तो ये जी अब हमारी डो तैयार हो चुकी है और ये तकरीबन अब पाँच से दस मिनट गुज़र चुके हैं तो अब हम सबसे पहले इससे हम बालूशाही तैयार करेंगे तो हमने यहाँ पे बालूशाही जो है वो एक गोल साइज़ में हमने तैयार करनी है तो इसको आपने नॉर्मली गोल गोल रेडी कर लेनी है और इसमें सेंटर में हम एक होल करेंगे उंगली की मदद से भी कर सकते हैं और आप किसी भी चीज़ के साथ इसमें होल कर सकते हैं तो इसी तरह हम तमाम जो हैं वन बाय वन बालूशाही तमाम तैयार कर लेंगे आपकी मर्जी आप इसको जिस मर्जी साइज़ में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं छोटी भी बना सकते हैं बड़ी भी बना सकते हैं तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल साइज़ की ही बालूशाही तैयार की है और आपने जो इसके दरम्या में होल करना है वो बिल्कुल आर पार इस तरह से कीजिएगा तो इससे ये है कि ये जब हम इनको फ़्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी सी फ्राई होंगे तो ये तकरीबन हमारी बालुशाही तैयार हो चुकी हैं तो अब हम इन इसके लिए सबसे पहले एक सिरप तैयार करेंगे जिसमें हम इनको फ़्राई करने के बाद डिप करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं एक पैन तो बसमान रहीम इसमें हम एक कप चीनी ऐड करेंगे चीनी जो है हमने एक कप ली है तो यहाँ पे मैं तकरीबन अब डेढ़ कप चीनी ले रही हूँ तो इसमें हमने पौना कप पानी डालना है और अगर हम चीनी एक कप लेंगे तो इसमें हमने उसकी क्वांटिटी का हाफ कप यानी पानी ऐड करना है यानी अगर चीनी दो कप है तो पानी एक कप यूज़ करना है तो यहाँ पर मैंने तकरीबन डेढ़ कप चीनी ली है तो मैंने इसमें पौना कप पानी डाला है तो अब हम इसको पकाएँगे फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखना है तो जैसे ही हमारी चीनी जो है इसमें मेल्ट होना शुरू होगी तो इसमें हम तीन से चार आदद इलायचियाँ जो हैं सबस वो पीस कर डाल देंगे और एक चुटकी जो है थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे इससे ज़रा इसका कलर बहुत अच्छा आएगा तो ये ऑप्शनल है आपकी मर्ज़ी है डालना चाहें तो डाल सकते हैं अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक चीनी जो है इसमें अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती तो इसको हमने पकाते रहने और चम्मच चलाते रहने ताकि इसका जो है कैरमल ना बन जाए तो हमने इसको पकाने के बाद इसमें हमने एक चुटकी जो है यहाँ पर टाटरी यूज़ कर रही हूँ मैं आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं लीमू भी डाल सकते हैं तो यहाँ पे मैंने एक चुटकी जो है टाटरी के इस्तेमाल की है इससे ये सिरप जो है वो जमेगा नहीं तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैंने इसके टेस्ट को फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे चंद ड्रॉप्स जो है केवड़ा वाटर के भी ऐड किए हैं ये आपकी मर्ज़ी है ऑप्शनल है चाहें तो आप डाल सकते हैं अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने चंद कतरे जो हैं केवड़ा बटर के भी ऐड कर दिए अब हम इसको पका लेंगे अच्छी तरह से अब तकरीबन ये पक चुका है तो इसको हम साइड पे रख देंगे और अब हम कढ़ाई लेंगे और इसमें हम ऑयल डाल के इसको गर्म करेंगे और इसका टम्परेचर बिल्कुल हमने लाइट सा रखना है बस ये जैसे मैंने ये बॉल ड्रॉप की है तो बस ये जैसे ही ऊपर आएगी तो हम इसमें वन बाई वन तमाम जो हैं पाली शाह वो ऐड कर देंगे और इसको फिर हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे जैसे ही ये पककर फूल जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएंगी तो हम फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे तो यहाँ पे ये देखें एक साइड से जैसे ही कुक होंगी हम इसको दूसरी साइड से पलट देंगे और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना है तो इससे देखें ये अपने साइज़ से बड़ी हो गई हैं तो मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर की कीजिएगा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो यहाँ से ये देखें माशाला से ये अब गोल्डन हो चुकी हैं इसका कलर हमने लाइट गोल्डन ही रखना है ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना तो इसी तरह हम ये तमाम जो हैं अच्छी तरह से कुक कर लेंगे और जैसे ही अब इसका कलर जो है मज़ीद थोड़ा सा डार्क होगा हम इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पे ये देखें साइज़ भी इसका माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया और ये कुक हो चुकी हैं और तकरीबन इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन आ चुका है तो यहाँ पर अब हम इनको निकाल लेंगे <coughs> और इसको अब हमने तमाम को निकाल कर जो सिरप हमने पहले से तैयार करके रखा है उस सिरप में ड्रॉप कर देंगे तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी तमाम ये कुक हो चुकी हैं और अब हम इसमें इसको सिरप में डिप कर देंगे और इसको हमने तकरीबन तीन से चार मिनट इस सिरप में डिप रखना है आप चाहें तो उसको पाँच से छः मिनट भी डिप कर सकते हैं तो ये ज़्यादा सिरप जो है वो पी लेंगी तो लिहाजा इसको तकरीबन आप तीन से चार मिनट ही रखिएगा जिससे ये क्रिस्पी भी बनेगी ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारी बालूशाही तैयार हो चुकी है इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो कीजिएगा इन आप घर पर ईज़िली बना सकेंगी मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा कल फिर मिलते हैं नई एक वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़